एक लड़की भीगी भागी सी। क्या बात है ललिता, आज इंग्लिश गाने छोड़ के हमारे जमाने के गाने गा रहे हो तुम। हाँ, मुझे हमारे जमाने की जरा याद आई, कितना अच्छा था वो समय। बात तो सही है, हमारे जमाने का वो गोल्डन इरा कुछ अलग ही था। हमारी शादी कितनी अच्छी हुई। और शादी में तुम टल्ली हो गई। बाऊ, ए बाऊ। क्या वंशमा, ये क्या है? मुझे बहुत अच्छी लगती है, जरा उधर भी देख लिया कर। अगो भाई, सॉरी सॉरी जी। जरा सा मैनर्स नाम का चीज नहीं है इसमें, ये क्या है? कोई बात नहीं सुन भाई, अगर आज ललिता के बाल अच्छे होते तो वो भी उड़ाती, पर क्या करे, बुढ़ापा ऐसी चीज है, सिर पे बचे इनमिन तीन बाल, क्या उड़ाएगी वो। मैं नहीं हूँ इसके जैसी मैनर्स लेस। रहने दो रहने दो, शादी के बाद तुमने क्या क्या किया है ना सब पता है मुझे, बहुत कुछ किया है इसने। अरे क्या, हर बार हमारे जमाने मत कीजिए मेरी बेइज्जती। क्या करती थी अपने बालों के साथ ये? तुझे बड़ी आग है सुनने की। नहीं ना, प्लीज मत बताइए। ललिता ये अच्छा है, खुद श्रेया को हमारे जमाने की बातें बताती हो, मुझे भी जरा मौका दो सुन भाई को हमारे जमाने की बातें बताने का। बताइए ना सुर जी, क्या करती थी ये? तो ये क्या करती थी, नदी के ऊपर जाती थी बाल धोने, जैसे ही बाल धोके हुए पूरे खुले बाल छोड़ती थी और नदी से घर तक पूरे रास्ते पे खुले बालों में भागती थी। मैं तो सिर्फ घर में करती हूँ, आप तो पूरे गांव में करती थी। मुझे आज भी वो ललिता दिखती है, अरे गांव वालों ने इसका नाम रखा था चुड़ैल। उस जमाने में हेयर ड्रायर होता नहीं था, तो जो रास्ते पे हम भागते थे और ऊपर से ऐसी हवा चलती थी उससे बाल सूख जाते थे जल्दी। वाह ललिता, क्या समझाती हो तुम आगे वाले को,